हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि पोटैटो का जो है यील्ड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पोटैटो का यील्ड इस्टीमेशन कैसे होगा, हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं पोटैटो यानी कि आलू का जो है उपज कितनी होगी। हमारे पास जो है गिवन डेटा है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग 16 to 25 सेंटीमीटर है, एवरेज नंबर ऑफ ट्यूबर्स पर प्लांट एंड एवरेज वेट ऑफ ट्यूबर्स ट्यूबर 14 and 35 ग्राम है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि पोटैटो ट्यूबर यील्ड विल बी क्विंटल पर हेक्टेयर। पोटैटो का जो यील्ड क्विंटल पर हेक्टेयर कितना होगा, अगर इफ यदि क्रॉप वाज स्पेस्ड एट 60 into 25 सेंटीमीटर एंड एवरेज नंबर ऑफ ट्यूबर्स पर प्लांट एंड एवरेज वेट ऑफ ट्यूबर आर 14 and 35 ग्राम रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ ट्यूबर्स पर प्लांट, यानी कि एक पौधे में कितने ट्यूबर्स लगे हैं, कितने ट्यूबर्स या आलू जो है वो लगे हैं, उसका नंबर है हमारा जो 14। एक प्लांट में जो है 14 आलू लगे हैं ट्यूबर्स, और एवरेज वेट ऑफ ट्यूबर्स, और एक सिंगल आलू का जो वजन है वो 35 ग्राम है। ठीक है, 35 ग्राम है। इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम जो है प्लांट पॉपुलेशन इसका देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन हमें देखने के लिए क्या करना होता है, प्लांट पॉपुलेशन के लिए हमें देखना होगा सबसे पहले क्या है, 10,000, क्योंकि हेक्टेयर में देखना है ना, प्लांट पॉपुलेशन इन हेक्टेयर। ठीक है, 10,000। इसके बाद कितना स्पेसिंग हमारा है, 60 into 25। ठीक है, अब देखिए इसको हमें मीटर में करना होगा। मीटर में करने के लिए फिर जो है हम 100 से क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें जो है 100 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 66,666। ये हमारा प्लांट्स पर हेक्टेयर है। अब स्पेसिंग से हमें पता चल गया कि एक हेक्टेयर में कितने पौधे हैं, तो 66,666 जो है पौधे एक हेक्टेयर में है। ठीक है, और एक पौधे में कितना ट्यूबर्स है, नंबर ऑफ ट्यूबर जो है 14 है, और एक ट्यूबर का जो वजन है वो 35 ग्राम है। तो इस हिसाब से हम जो है कितना यील्ड होगा वो हम जान लेंगे। ठीक है, अब जो है यील्ड क्विंटल पर हेक्टेयर देखना है, तो 66,666 इंटू कितना है 14 into 35 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 1000। अब देखियो 1000, तो 1000 का हम जो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32,666 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, 32,666 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। अब इसको अगर हमें क्विंटल में करना होगा, ठीक है, क्विंटल पर हेक्टेयर निकालना है, तो क्विंटल पर हेक्टेयर निकालने के लिए जो है कितना हो जाएगा, हमें जो है 100 से जो है डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम अगर रहेगा तो एक क्विंटल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम डिवाइड करेंगे 100 से 32 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32.666। ठीक है, 32.66 हो जाएगा। इसको राउंड फिगर में हम जो है 32.67 क्विंटल पर हेक्टेयर ये हमारा जो है यील्ड आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा जो है आंसर है यील्ड जो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, ये यील्ड यील्ड हो गया हमारा, ठीक है, 32.67 क्विंटल पर हेक्टर ये यील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि हार्वेस्टिंग पोटैटो के हार्वेस्टिंग के पहले ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो हमारा यील्ड आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।